हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग यहाँ से ही पढ़ेंगे, बुक से ही, ठीक है? क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला था नहीं, बस मैं आपको बताऊंगी इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट्स ऑफ स्पाइन, आपको पता है मैंने शुरू में बताया था कि स्पाइन ऑल थ्री प्लेन्स में मूवमेंट्स को जो है वो अलाउ करती है, और स्पाइन की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा आपके लिगामेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है फ्लेक्जन एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन स्पाइन के ऊपर किस रीजन में कितनी होती है। एग्जैक्टली यहाँ पर उन्होंने आपको रेंजेस दी हुई हैं। C5-C6 में 17 होती है, T1-T2 में 4 डिग्री होती है, T11-T12 में 10 डिग्री होती है, L5-S1 में जो है वो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं। ये सब आपने याद रखनी है। हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बियॉन्ड द नॉर्मल एनाटॉमिकल लिमिट, उसको हम कहते हैं हाइपर एक्सटेंशन। और फिर जब मेरा पेपर था, मुझे एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, और क्वेश्चन ये था कि स्पाइन की जब फ्लेक्जन हो रही होती है तो इसके साथ कौन कौन सी मूवमेंट्स और हो रही होती हैं, या किस तरह से एंटीरियर पेल्विक टिल्ट या हिप फ्लेक्जन स्पाइनल फ्लेक्जन में हेल्प करता है, ठीक है? तो आपने याद रखना है यूजुअली क्या होता है फुल स्पाइनल फ्लेक्जन के दौरान। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन, ये थोड़ी सी स्पाइनल फ्लेक्शन हुई है, इसमें हिप और ये वाले एरिया में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जब क्या हुआ, स्पाइनल फुल फ्लेक्शन हुई, फुल स्पाइनल फ्लेक्शन हुई, इस दौरान आपके साथ एक और मूवमेंट होगी पेल्विक टिल्ट, जिसमें एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो गया, ठीक है? एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के साथ हिप फ्लेक्शन, ये सब चीज़ें तीनों मूवमेंट्स इन कॉम्बिनेशन होती हैं तभी फुल स्पाइनल फ्लेक्शन की जो है वो कंडीशन डेवलप होती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने इसमें याद लाजमी रखनी है, ठीक है? उसके बाद हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट, आपको जो है वो पता होगा, उसको हम हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। उसके बाद लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन, एग्जैक्टली उन्होंने इसकी जो है वो आपको बताई हुई है कि लेटरल फ्लेक्शन की क्या क्या जो है वो उनकी रेंजेस है। यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने लिखी हुई है लेटरल फ्लेक्शन की क्या क्या रेंज है। फ्रंटल प्लेन में अगर फ्लेक्शन हो तो उसकी C4-C5 में 9-10, उसके बाद जो है वो थ्रेसिक के अपर सेगमेंट में 6 डिग्री, लोअर सेगमेंट में 8-9 डिग्री, लंबर की 6 डिग्री, L5-S1 की 3 डिग्री। ये बहुत ज़्यादा समझाने वाले इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपने रेंजेस याद करनी है। ट्रांसवर्स प्लेन में अगर आप बात करें रोटेशन की, तो वो हमारे पास जो है C1-C2 की 12 है, 9 डिग्री की जो है वो थ्रेसिक में। ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है, ये बहुत आसान है। अब आते हैं मसल्स ऑफ स्पाइन के ऊपर। ये टेबल तो आपने लाजमी याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है? ये आपने लाजमी याद करना है। अब इस टेबल को याद करते वक्त आपने एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा बेटा मुझे ओरिजिन बताएं रेक्टस एब्डोमिनस का, नहीं, वो आपसे ये पूछेंगे कि कौन से मसल ऐसे हैं जो कि सर्वाइकल फ्लेक्शन करा रहे हैं। ये तो पूरी स्पाइन के मसल्स हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल फ्लेक्शन कौन से मसल्स करवाएंगे। ऑब्वियसली जो आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ जाकर लगे होंगे, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो हमारे जो है वो क्या मसल्स थे, स्प्लीनियस, जिसमें कैपिटस और सर्विकस दोनों के आप लोग नाम बता देंगे, आप सब ऑक्सिपिटेलिस बता देंगे, ये मसल्स जो हैं ये क्या करा रहे होते हैं, आपकी सर्वाइकल फ्लेक्शन में रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपने एक और बात याद रखना है, ट्रेपीजियस और ये सारे मसल्स भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर आप बुक के रेफरेंस से बात करें और फिलहाल अगर इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने लाजमी जो है वो स्प्लीनियस और सब ऑक्सिपिटेलिस को मैंशन करना है, वहाँ सारे मसल्स जो है वो आपने बताना नहीं शुरू कर देना, ठीक है? उसके बाद आपने हर एस्पेक्ट के मसल कोई भी करने की आपको जरूरत नहीं है कि आप पूरा पूरा हर एस्पेक्ट को पढ़ें। आपने क्या करना है, आपने बता देना है कि इंटीरियर एस्पेक्ट की ये मसल है, उनके नाम याद कर देना। अगर आपसे पूछेगा राइट एंड नॉट ऑन द मसल्स ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइन, तो आप जो है सब मसल्स जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है? अब आपने एक और बात याद रखनी है, इनके फंक्शंस को याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, वो हम शुरू से बहुत बार पढ़ते भी आए हैं। इंटीरियर एस्पेक्ट के जितने भी मसल्स हैं ना, इनका काम क्या होगा, फ्लेक्शन कराना, ठीक है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट के जितने भी मसल्स हैं इनका काम क्या होगा, एक्सटेंशन कराना, ठीक है? लेटरल एस्पेक्ट के जितने भी मसल्स हैं इनका काम क्या होगा, लेटरल फ्लेक्शन कराना, ठीक है? ये आप लोगों ने जो है वो याद रख लेना है, ठीक है? ये बहुत ही आसान है। उसके बाद इसके अंदर से भी पढ़ने वाले इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यू जस्ट हैव टू लर्न दैट टेबल, ठीक है? अगर आपने इसको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं सिर्फ एक बार, लेकिन ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, आपने जो है उसको एक बार अच्छे तरीके से याद कर देना है। और ये जो बातें इसके अंदर लिखी हुई है ना, वो आपको यहाँ पर मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर जो है वो रोटेशन ऑफ हेड टू ऑपोजिट साइड, रोटेशन ऑफ द हेड टू अदर साइड, ये सारी बातें यहाँ पर डिटेल में लिखी है। अगर आप यहाँ से भी देखें ना, तो आपको हर मसल के फंक्शन के आगे लिख दिया कि रोटेशन ऑफ द हेड किस साइड पर हो रही है। और हमें, मुझे याद है कि हमें इसमें से एमसीक्यू भी आया था, इनमें से कोई एक मसल हम लोग को देखने को उसका नाम दे दिया था, और उनमें से हमसे पूछा गया था लेफ्ट राइट, फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन आया था कि ना हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड का जो मसल है, नहीं क्या था क्वेश्चन, ये, हाँ यहाँ से ही आप देखें, बेसिकली हमसे पूछा गया था कि आप रेक्टस कैपिटस इंटीरियर मसल है लेफ्ट साइड का, ये रोटेशन किस साइड पे कराएगा, तो आपने बताना है कि ये रोटेशन किस पे कराएगा। ऑपोजिट साइड लिखा मैंने, लेफ्ट साइड का मसल है तो वो राइट साइड की रोटेशन कराएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस तरह से थोरली जो है उसको रीड करना है। वैसे भी इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं था, जो बातें बताने वाली थी वो मैंने आपको बता दी है, आपने बस इसको एज इट इज टेबल को जो है वो रट्टा लगाना, ठीक है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट लेटरल एस्पेक्ट के मसल्स को भी बिल्कुल इसी तरह करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम लोअर्स ऑफ स्पाइन पढ़ेंगे और देन हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।